दोस्तों आपके YouTube चैनल की जो अर्निंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है या एकदम कम हो गई है, और साथ ही आपके जो सब्सक्राइब हैं वो भी बढ़ना कम हो गए हैं, साथ ही आपके जो व्यूज हैं वो भी बिल्कुल आपके चैनल पे नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड इसका क्या कारण है? ऐसे तीन कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपके यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग है, सब्सक्राइब है और व्यूज है जो कम होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड आपके जो YouTube चैनल पर आपके जो सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और आपकी जो अर्निंग है वो कम हो चुकी है, तो इसके तीन कारण हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले कारण की हम बात करें तो जैसे कि आप YouTube पर जो वीडियो बनाते हैं तो वो हमेशा आपको सर्चेबल वीडियो बनाने चाहिए। जैसे कि आपका YouTube पर कोई वीडियो आप सर्च करते हैं तो वो सर्च में आए, ऐसा नहीं कोई आपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना लिया। और या तो आपको वो वीडियो बनाने चाहिए जिन पर आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, आपको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिस पर ट्रैफिक कम आ रहा है और उसके रिलेटिव आप वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी आपकी अच्छी ग्रोथ होगी, या आप ज़्यादा सर्चेबल वीडियो बनाते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है। तो आप ऐसे टॉपिक लीजिए जिससे कि आपके जो वीडियो है वो ग्रो करे। जब फ्रेंड आप कोई भी यूट्यूब टाइटल देते हैं तो वहाँ पर आप कोई भी टाइटल जब देते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना है वो टाइटल सर्चेबल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया सर्चेबल वीडियो बनाइए, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। तो ऐसे ही जब आप टाइटल लिखते हैं तो आपको वही टाइटल अपने डिस्क्रिप्शन में भी देना है, साथ ही जब आप टैग लगाते हैं तो टैग लगाना ज़रूरी होता है। जब आप टैग्स लगाते हैं तो जैसे कि आप टैग्स लगा रहे हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी अपने दे देना है। इससे क्या होगा, जो आपका जो वीडियो है उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे और साथ ही आपका जो चैनल है वो भी ग्रोथ करेगा साथ साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूँ जैसे कि सब्सक्राइब, तो अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं आ रहे तो उसका कारण ये है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आप जैसे थम्स देते हैं तो यहाँ पर आपको एक ब्रांडिंग करनी होती है। अगर आप ब्रांडिंग नहीं करते हैं, ब्रांडिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो जैसे कि मैं बता दूँ, अगर आप जैसे थम्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना खुद का, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया तो आप अपना खुद का वहाँ पर फ़ोटो लगाइए। और यहाँ पर जो टाइटल दे रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबा मत दीजिए, यहाँ पर शॉर्ट में लिखिए ताकि उसे पता चले कि आप उस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो आप जब तक ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो इससे क्या है, जब कोई वीडियो देखेगा तो वहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करके वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई वीडियो बनाएं तो ऐसा बनाइए ताकि जो सामने वाला आपका वीडियो देखे तो वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें। और थम्स से बहुत फ़र्क पड़ता है, थम्स से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके वीडियो पर, क्योंकि थम्स से ही उसे पता चल जाता है कि आप इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। इससे आपके साथ साथ व्यूज़ भी बढ़ता है और यहाँ पर जो कोई देखेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके जाएगा ही जाएगा अगर आपका वीडियो इस लायक है। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं आप तीसरे टॉपिक की बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके चैनल पर अगर अर्निंग नहीं हो रही तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप नए यूट्यूबर्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और कुछ ऐसे कंटेंट यूज कर लेते हैं अपने वीडियो में जिसकी वजह से आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। आपको मोनेटाइजेशन तो हो गया लेकिन आपने वहाँ पर वीडियो उसी तरह से बना रहे हैं, आप कहीं से कुछ फोटो उठा रहे हैं, कहीं से कहीं वीडियो उठा लिया, म्यूजिक उठा लिया, तो ये आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है, जो आपके चैनल पर अगर कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है उसके बाद आप उसको ध्यान नहीं देते हैं, जो आपकी अर्निंग है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आप उस कॉपीराइट को हटाते नहीं हैं। आपको सोचते हैं इस पर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी वीडियोज़ पर तो हमारे मोनेटाइजेशन ऑन है, तो आप उसे ना तो डिलीट करते हैं अपने वीडियो को और ना ही आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को देखते हैं कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आया है, क्लेम आया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो आप उसे हटाना है नहीं हटाना है, आपको ईमेल करके पूछना है नहीं पूछना है कि आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक लगे रहने देते हैं, उससे क्या होता है, जब आप दो तीन महीने तक जो आपका वीडियो है उस पर यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है और जब तक आप नहीं हटाते हैं, इससे क्या होता है, जब आप लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक वीडियो को रखे रहते हैं तो उससे क्या होता है, आगे चलकर जो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाता है, यहाँ पर जो आपका मोनेटाइजेशन है वो हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया जाता है सारे वीडियोस पर, फिर आपको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। फ्रेंड इसका तीसरा कारण यही है कि जब हमारे किसी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो हम उसे ध्यान नहीं देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो हम डायरेक्ट डिलीट मार देते हैं। तो आपको डिलीट भी नहीं मारना है, पहले आपको देखना है कि आपको किस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तो आया क्यों है, तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है वो लीगल नहीं है और आपके कॉपीराइट स्ट्राइक यूं ही आ गया है तो आपको उस पर ईमेल करके आप उसे हटवा सकते हैं, लेकिन आप ये मत कीजिएगा कि आपने वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया और डिलीट मार दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ईमेल वगैरह, और आप वीडियो कैसे डिलीट कर सकते हैं, कब डिलीट करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको मेरे ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगा और आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही आप मेरे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये कुछ ऐसे तीन कारण जिसकी वजह से आपके चैनल की साथ साथ ग्रोथ भी रुकती है, जहाँ पर व्यूज, सब्सक्राइब और अर्निंग जो आपकी धीरे धीरे डाउन होती जाती है, जिसकी वजह से आपका चैनल पूरी तरह से
से यहाँ पर डप हो जाता है और आप क्या करते हैं यहाँ पर यूट्यूब से स्किप कर जाते हैं। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर बने रहें और आपका भी कोई एक पहचान हो अच्छी जिस पर आप यूट्यूब पर अपना अच्छा ग्रो करके अपने चैनल को अच्छी ऊंचाई तक ले जा सके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं। जब भी आप वीडियो कोई कंटेंट बनाएं तो हमेशा ऐसा बनाएं जिससे कि आपके चैनल पर अच्छी ग्रो हो सके, व्यूज आ सके, सब्सक्राइब बढ़े, साथ ही ये सारी चीज़ें हों, तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना है। साथ ही फ्रेंड आपको क्या करना है, आपके YouTube चैनल पर जो एनालिटिक्स होता है जो यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आपका वॉच टाइम क्या है, आपके सब्सक्राइब कितने आए हैं, आपने कितने व्यूज बढ़े हैं, तो ये सारी वहाँ हावर्स के हिसाब से भी मिल जाता है आपको और डे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, उससे आपको पता चलेगा आपके किस वीडियो पर कितने व्यूज आ रहे हैं, किस वीडियोज़ के द्वारा आपके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, किसके द्वारा आपके जो अर्निंग है वो आपके किस वीडियो पर ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप जब फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। और जो आप गलती कर रहे हैं, जैसे कि टाइटल देने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको यूट्यूब पर जो कि सर्चेबल वीडियो हैं उन्हीं पर आपको टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या जिन पर कम कंपटीशन है उसको रिलेटिव आपको वीडियो बनाने चाहिए, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं और साथ ही आप यहाँ पर व्यूज भी बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड इन चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड मैं इससे रिलेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि मेरी कंप्यूटर और यूट्यूब टिप्स ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोज होती हैं, तो इसके लिए आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड मैं इस तरह के नए वीडियो लेकर आता रहूँगा और फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।